नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे आलू कीमा। आलू कीमा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं कीमा आधा किलो, आलू एक पाव, हरा धनिया हाफ बंच बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें 4 अदद, टमाटर 1 अदद बड़े साइज का, प्याज 1 अदद बड़े साइज की, ऑयल आधा पाव, नमक 1 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, दही आधा पाव। तरकीब, सबसे पहले आप एक पतीली में ऑयल गरम कर लें, फिर इसमें प्याज डाल के उसे पिंक कर लें। जब प्याज पिंक हो जाए तो इसमें टमाटर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इसे सौते कर लें। अब इसमें आप कीमा और आलू डाल के इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। जब कीमा और आलू दोनों फ्राई हो जाएं, तो तमाम मसाले 1 कप पानी के साथ डालकर इसे 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें दही फेंट कर शामिल करें और साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दें और इसे मजीद 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। जब 5 मिनट बाद इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसे थोड़ा सा भून लें और चूल्हा बंद कर दें। मजेदार आलू कीमा तैयार है। आप इसे चपाती, पराठे, नान के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।